अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान नगर बंद रखा गया था। इसी बीच आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन हाट रोड पर एक भाजपा समर्थक दुकानदार द्वारा आंदोलनकर्ताओं को अपशब्द बोले गए। आंदोलन में शामिल सरदारों को जाति सूचक अपशब्द एवं खालिस्तानी बोला गया, जब आंदोलन में सभी धर्मों के लोग शामिल थे। इस घटना में पुलिस द्वारा लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इन सभी 8 लोगों पर दर्ज किए मामले वापस लेने की मांग की और उन किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली जो जब्त की गई उन्हें मुक्त कराए जाने की। आप जो आवेदन है उनके बारे में क्या कहा है, जिनके गिरफ्तार किया है उनको चूंकि उन्होंने प्रकरण दर्ज कर लिया है वो उनको अभी न्यायालय में पेश कर रहे हैं। हम लोग सब लोग न्यायालय जाकर उनकी जमानत की कार्रवाई करा रहे हैं। कितने किसानों को गिरफ्तार किया पुलिस ने? ये दो या तीन किसानों को जब्त गिरफ्तार किया है और ट्रैक्टर ट्रॉली भी उनके द्वारा जब्त किए गए हैं। 7 दिवस के भीतर अगर प्रकरण वापस नहीं लिए तो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति आंदोलन करने को मजबूर होगा।